नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क से रिलेटेड इश्यूज़ जो DVR या NVR में आते हैं, जिसकी वजह से DVR में आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। आपके DVR में कुछ एरर मैसेज आते हैं हार्ड डिस्क से रिलेटेड, लाइक HDD इज नॉट वर्किंग, वर्किंग HDD इज नॉट अवेलेबल, रिकॉर्डिंग स्टॉप, या फिर HDD एबनॉर्मल, या हार्ड डिस्क का जो स्टेटस है वो एरर शो कर रहा है, वो नॉर्मल नहीं है, इस तरह के बहुत से मैसेज शो करता रहता है। तो हम इन सब प्रॉब्लम को कैसे दूर करें और इसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमारे जो एरर है हार्ड डिस्क रिलेटेड वो सॉल्व हो जाए और हमारे DVR में रिकॉर्डिंग प्रॉपर होने लगे। तो पहला सोल्यूशन ये है कि पहले हम उसके हार्डवेयर साइड को चेक करेंगे, यानी हमारा हार्ड डिस्क DVR से कनेक्ट है तो उसमें दो वायर होते हैं, एक पूरा साटा वायर होता है और दूसरा आपका पावर का केबल होता है। इनकी कनेक्टिविटी को प्रॉपर पहले चेक करेंगे, कहीं केबल लूज़ तो नहीं है, तो उनको प्रॉपर प्रेस करके प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। दूसरा सोल्यूशन है आपके हार्ड डिस्क की पावर सप्लाई। हार्ड डिस्क को पावर आपके DVR के थ्रू मिलता है, यानी DVR को जो आपने पावर सप्लाई दे दिया है जो जनरली 12 वोल्ट 2 एम्पियर में आता है, आपको ये चेक करना है कि ऐसा तो नहीं वो पावर सप्लाई कहीं वीक पड़ रही है। तो आप उनके हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग, यानी कि 2 TB या 4 TB आप जैसे हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपने DVR की जो पावर सप्लाई को बढ़ा कर देंगे। और थर्ड सोल्यूशन है, DVR को जब भी आप हार्ड डिस्क पे फर्स्ट टाइम जब कनेक्ट करते हैं या फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले उसको फॉर्मेट ज़रूर कर लीजिए। आप DVR के थ्रू ही इसको फॉर्मेट करिए, ना कि पहले से फॉर्मेट करके तब लगाइए। DVR पे जब इसको कनेक्ट कर लीजिए, DVR को पावर दीजिए और DVR के थ्रू ही इसको फॉर्मेट कर लीजिए। इससे क्या होता है, DVR आपका हार्ड डिस्क में अपने अकॉर्डिंग उसमें इंडेक्सिंग कर लेता है किस तरह उसको रिकॉर्डिंग करनी है। और अब अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली हैं या तीनों सोल्यूशन को फॉलो कर लिया, उसके बाद ही आपके हार्ड डिस्क में कुछ इश्यूज़ या एरर शो कर रहा है, तो इसके लिए आपको अपने DVR का फर्मवेयर को चेक करना चाहिए कि ये में भी ये फर्मवेयर का इशू हो। तो आप DVR के लेटेस्ट फर्मवेयर को जो भी OEM है उससे आप लेकर अपने DVR को अपडेट कर लें, इससे आपका इशू डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। इन सब सॉल्यूशंस को फॉलो करने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखना है। पहली बात तो DVR में हमेशा सर्विलांस हार्ड डिस्क ही यूज़ करिए, क्योंकि सर्विलांस के लिए स्पेशली अलग हार्ड डिस्क आते हैं, उनको यूज़ करिए जो स्पेशली सर्विलांस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और दूसरा, DVR की जितनी भी मैक्सिमम कैपेसिटी है हार्ड डिस्क को सपोर्ट करने की और कितने TB की सपोर्ट करने की उनकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आपका हार्ड डिस्क नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये सब सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे तो आपके DVR या NVR का जो भी सेटअप है उसमें हार्ड डिस्क रिलेटेड कभी कोई इशू नहीं आएगा। गाइस नाउ क्लोज दिस एपिसोड, बाय बाय, थैंक यू।